माता दी बहनों, संगीत सागर में स्वागत है। आइए बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको हरतालिका व्रत की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी। उसके बाद मैं आपको हरतालिका व्रत की पूजा विधि कैसे की जाती है और उसकी मैं आपको कथा भी सुनाऊँगी। बहनों, ये रक्षाबंधन के बाद जो भादों का महीना आता है, उस महीने में शुक्ल पक्ष तीज को ये व्रत किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले मैं सारी महिलाएं और कन्याएं अपने घर में मीठी चीज़ शाम को बनाती हैं और उसको ग्रहण करती हैं। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे ततून करती हैं और नहा करके भोले बाबा में जल चढ़ाती हैं। उसके बाद बहनों, ये शाम को 4 बजे फिर खीरा और नींबू भोले बाबा में चढ़ाती हैं। उसके बाद रात में महिलाएं शंकर पार्वती गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाती हैं और पाटा रख करके उनका पूजन विधि करती हैं। जिन महिलाओं के यहाँ पाटा नहीं रखा जाता है, वो मंदिर में जा करके मंदिर में बैठ करके कथा सुन सकती हैं। बहनों, ये व्रत बहुत ही उच्च व्रत है, इसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इसकी कहानी भी सुनाती हूँ। बहनों, घर में महिलाएं सोने और चांदी की ज्वेलरी कैसे बनाती हैं वो मैं बताती हूँ। बेसन माड़ करके उसकी ज्वेलरी बनाती हैं, उसको सोने की ज्वेलरी बोली जाती है। जो आटा माड़ करके गेहूं के आटे की जो ज्वेलरी बनाती हैं, उसको चांदी की ज्वेलरी बोली जाती है। खंगड़िया पपड़िया भी बनाती हैं और नाना प्रकार के फल चढ़ाती हैं, मीठा चढ़ाती हैं, पंचामृत बनाती हैं। इस तरह से शंकर पार्वती को अर्पित करती हैं, उसके बाद आरती करती हैं। बहनों, अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। बहनों, हिमालय के बहुत दिन के बाद एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम उन्होंने पार्वती रखा। पार्वती अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पार्वती भोले जी की भक्त थी और भोले जी को अपना वर मानती थी। भोले को वर प्राप्ति के लिए तपस्या करती थी भोले बाबा की। बहनों, एक दिन वो मंदिर में भोले बाबा की तपस्या कर रही थी, उसी टाइम विष्णु भगवान ने वैकुंठ से देखा तो नारद मुनि को हिमालय के पास भेजा और कहा कि हिमालय से जा कर के बोलो नारद मुनि कि मैं आपकी पुत्री से ब्याह करना चाहता हूँ। नारद मुनि हिमालय के पास जा कर के कहते हैं, हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती से विष्णु भगवान शादी करना चाहते हैं। तो हिमालय बहुत खुश हुए और बोले कि ठीक है, मैं शादी करूँगा विष्णु भगवान के साथ। नारद मुनि ने विष्णु से भी बताया जा करके और कहा हिमालय शादी करने के लिए तैयार हैं। इधर जब पुत्री घर आती है तो हिमालय ने बताया कि पुत्री, मैंने तुम्हारी शादी विष्णु के साथ तय कर दी है। पुत्री बहुत दुखी हुई और अपनी सहेलियों से जा करके बताया तो सहेली ने बोला कि ठीक है पार्वती, तुम हमारे साथ यहाँ से जंगल में चलो और शिव जी की आराधना करो, शिव जी की तपस्या करो। शिव जी तुम्हें प्रदान अवश्य देंगे, तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो पार्वती जी सहेलियों के साथ जंगल में जाती है और वहाँ बालू की शिवलिंग बना करके शिव जी की आराधना करती, शिव जी की तपस्या करती है। वहाँ जंगल में कुछ भी नहीं था, पत्ते इत्ते खा करके किसी तरह से पार्वती जी तपस्या करती हैं। जब पार्वती जी 14 साल की होती हैं तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो करके भोले बाबा ने दर्शन दिया और कहा कि हे पार्वती, क्यों तपस्या कर रही हो, तुम वरदान मांगो। तो पार्वती ने कहा कि हे भोले, अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो आप हमारे वर हों और हम आपकी पत्नी हों। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। इस तरह आकर के पुत्री ने घर आकर के अपने पिताजी से सारी बात बताई और कहा कि पिताजी, मैं भोले बाबा से शादी करूंगी। तो भोले बाबा से शादी करूंगी। हिमालय ने कहा ठीक है,
उन्होंने अपनी पुत्री की शादी भोले बाबा से कर दी। जब शंकर जी की शादी पार्वती जी के साथ हो गई तो वो हिमालय पर्वत पर शंकर पार्वती दोनों रहने लगे, और रहते रहते फिर आता है भादों का महीना आने वाला होता है, तो पार्वती जी ने कहा कि हे भोले, मैं जो शुक्ल पक्ष तीज पर हड़ताल का व्रत आता है वो मैं करूँगी, मुझे इजाज़त दो, मैं 12 साल ये व्रत करूँगी और 12 साल मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो भोले बाबा ने कहा, नहीं नहीं पार्वती, नहीं, 12 साल कोई महिला ये व्रत नहीं कर पाएंगी। तो बोली भोले, हमें 12 महीने का आदेश दो। भोले बाबा ने कहा, नहीं नहीं पार्वती, 12 महीने का भी मैं आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि महिलाएं ये व्रत 12 महीने नहीं कर पाएंगी निर्जला। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, फिर 12 दिन की इजाज़त दे दीजिए भगवान। बोले, नहीं पार्वती, नहीं, ये 12 दिन भी बहुत कठिन है महिलाओं के लिए, ये 12 दिन का व्रत महिलाएं नहीं कर पाएंगी। तो बोल पार्वती जी ने कहा, फिर बोले, मैं कैसे व्रत करूँगी, मैं तो व्रत करूँगी। भोले बाबा ने कहा, ठीक है पार्वती, रहना चाहती है तो 1 दिन का व्रत कर लो, 1 दिन का इजाज़त, 24 घंटे का मैं आपको व्रत करने की अनुमति दे दूँगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है भोले बाबा, मैं ये व्रत जरूर करूँगी। तभी से ये व्रत शुरू हुआ था बहनों। ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियाँ हों या कुंवारी कन्याएँ हों या विधवाएँ हों, ये व्रत एक बार अगर कन्याएं रह लीं या सुहागले रह लीं तो ये व्रत कभी छोड़ा नहीं जाता, ये व्रत हमेशा रहा जाता है और ये व्रत कभी भी छूटता नहीं है बहनों। इस तरह से पार्वती जी ने व्रत किया, तभी से ये सारी महिलाएं जो व्रत करती हैं, पार्वती जी के व्रत करने के बाद ही ये व्रत स्टार्ट हुआ था। और ये व्रत करने वाली महिलाएं जो दूध पीती हैं वो सर्पणी होती हैं, जो मांस खाती हैं वो बाघिनी होती हैं, जो सोती हैं वो अजगर होती हैं, जो फल खाती हैं वो बकरी होती हैं, जो शक्कर खाती हैं वो मक्खी होती हैं। इसलिए इस दिन बहुत ही बस करके व्रत करना चाहिए। और ये कथा सुनने के बाद फिर आरती करिए, आरती करने के बाद फिर आप सारी रात कीर्तन करिए, भजन करिए, महिलाओं को बुला करके घर में भजन कीर्तन रात भर करके, पूरी रात भजन कीर्तन करने के बाद जब सवेरे 4 बजे उठिए और उठ करके नहाइए, नहा धो करके जो गौरा जी को सिंदूर चढ़ाया था उसका सुहाग लीजिए। सुहाग लेने के बाद जो आपने शंकर पार्वती गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी उसको आप गंगा जी में विसर्जन करिए। अगर गंगा जी पास में नहीं है, कोई नदी है तो उसमें आप विसर्जन करिए। विसर्जन करने के बाद आप अपने से जो मान्य हो उनको आप दान करिए। दान करने के बाद खीरा से व्रत तोड़िए। इस तरह से ये संपूर्ण तीजा हरतालिका व्रत पूरा करने की विधि और कथा मैंने आपको सुनाई। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय भोले की, जय पार्वती की।